न्यूज आपको बता दें, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर हम अवमानना का केस नहीं करते, लेकिन इसमें हमें मजबूर किया गया है। रामदेव को कोर्ट में खुद खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि आप मीडिया में क्यों गए, आप अपने ट्रैप में खुद फंस गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि इस मामले में रामदेव को खुद माफी मांगनी चाहिए थी। आप ट्रैप में फंस गए हैं, खुद ट्रैप में फंसे हैं, मीडिया में क्यों गए हैं। तो भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया कि इस मसले में रामदेव को खुद माफी मांगनी चाहिए थी और अदालत ने जो आदेश दिया है उसको गंभीरता से लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अवमानना की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर रामदेव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ विक्रांत, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और एक तरीके से अब आगे रामदेव के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या उनको माफी मांगनी होगी, जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए जसप्रीत, अब उनके पास ऑप्शंस की कोई बात ही नहीं बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि कंटेम्प्ट में एक तो उन्हें नोटिस किया है, उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपके खिलाफ परजरी का भी मामला बनता है। परजरी यानी अदालत को गुमराह करना। कोर्ट ने कहा कि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि एफिडेविट फाइल किया गया है, लेकिन एफिडेविट में वो दस्तावेज नहीं थे जिनके बारे में बात की गई थी। ये सीधे सीधे परजरी यानी अदालत को गुमराह करने का मामला बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो दस्तावेज जिनके बारे में कहा गया ये अगले दिन लगाए गए, तो ये काफी गंभीर बात है। आप अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। दोनों को फिर से पेश होना होगा, बाबा रामदेव को भी और उनके साथ बाबा रामदेव को भी और उनके बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण को भी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जिस तरीके से मीडिया में आप लोग गए, अपनी बातें कही, तो बाबा रामदेव की तरफ से दलील दी गई कि मीडिया में ना जाने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी जानकारी हमारी कंपनी के वकीलों को नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की दलील देकर आप बच नहीं सकते और जिस तरीके का इस मामले में गंभीर गलत प्रचार किया गया, भ्रामक प्रचार किया गया, दवाइयों के बारे में गलत आप दावे करते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई ये नोटिस किया गया। ये कहा गया कि कोरोना का टाइम जब बहुत ही मुश्किल समय था, उस समय एक दवा को लेकर दावे किए गए पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त रहा। और अब इस मामले की अगले हफ्ते सुनवाई होगी, अगले हफ्ते भी इन दोनों को, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को, कोर्ट में मौजूद रहना होगा। जानकारी दे रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन का ये मामला है विक्रांत, इसको इस तरीके से देखें कि अगर पहले ही बाबा रामदेव माफी मांग लेते, झूठा हलफनामा कोर्ट में नहीं देते, तो अवमानना का केस नहीं चलता। देखिए हलफनामा जो उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज लगाए गए हैं, वो बाद में अगले दिन कोर्ट का ये कहना था कि अगले दिन वो उसमें लगाए गए, तो परजरी का मामला बनता है कि कोर्ट के सामने आपने जो कहा अगर वो नहीं किया तो परजरी, एक तरह से अदालत को गुमराह करना। दूसरी बात, बाबा रामदेव इस मामले में अगर शुरुआत से जब ये मामला चल रहा था अगर तभी इस मामले में माफी मांग लेते और वहां पर सामने आते और ये कहा जाता आयुर्वेद पतंजलि की तरफ से, तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। ये इसलिए भी इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया था उसके बावजूद पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से मीडिया में जब बातें आई तो उसको कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। और निश्चित तौर पर बाबा रामदेव के वकीलों ने कोशिश की अदालत को पेसिफाई करने की, अदालत के सामने माफी भी मांगी गई, लेकिन कोर्ट अब तक एक तरह से जो कहा जाता है कि बात थोड़ी आगे बढ़ गई थी। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को अगले हफ्ते सुनेंगे, दोनों को मौजूद रहना होगा, तब तक जवाब भी अपना देना होगा, तो मामला अब गंभीर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो विक्रांत हमारे सहयोगी, इसमें दो अहम बातें हैं, आपको बताइए कि जो सुप्रीम फटकार लगी है इसमें, एक तो पहली बात यह है कि रामदेव के वकील ने माफी मांगी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि अगर पहले माफी मांग लेते तो फिर यह सब नहीं होता। दूसरा, जो झूठा हलफनामा दिया गया उसके लिए अलग से केस चलेगा, यानी कि चौतरफा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण घिर चुके हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रांत जानकारी दे रहे थे कि अगले हफ्ते पेश होना होगा, रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को अगले हफ्ते पेश होना होगा, और इसमें हम देखें कि जो मीडिया में गए, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि खुद ही ट्रैप में फंस गए। विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अवमानना का केस चलेगा पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है रामदेव को कि परिणाम भुगतने होंगे, झूठा हलफनामा देने का केस भी चलेगा,
यानी कि ये केस अलग से चलेगा, फॉर्जरी का ये केस होगा, अवमानना की कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। हालांकि आपको बताएं कि आज देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रामदेव के वकील ने माफी मांगी और ये कहा कि गलती हुई, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पहले रामदेव को माफी मांगनी चाहिए थी, अब तो देरी हो गई है। इसको इस तरीके से इस मामले को देखें कि जो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला है, जो मिलावट का मामला सामने आया था, उसमें अगर पहले माफी मांग ली गई होती, झूठा हलफनामा नहीं दिया गया होता, तो फिर आज स्थिति कुछ और होती।